हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आयुष काउंसलिंग के बारे में आज बात करेंगे। आयुष में अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, किसी दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑल इंडिया कोटा से आप अप्लाई कर सकते हैं 8CCC के द्वारा। अगर आप किसी स्टेट, दूसरे स्टेट की या फिर खुद के स्टेट की प्राइवेट कॉलेज में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर अपने ही स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने स्टेट काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार जो MBBS है उसमें आपका कॉमन काउंसलिंग आया, तो काफी सारे बच्चे का ये कमेंट आ रहा था कि सर जो आयुष है उसमें क्या कॉमन काउंसलिंग आया। तो फिलहाल के डेट में आयुष के लिए कॉमन काउंसलिंग नहीं आया, जैसे पहले काउंसलिंग होता था वैसे ही सेम प्रोसेस में इस बार भी होगा। इसमें आपका जो ऑल इंडिया कोटा से अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो 8CCC के द्वारा होता है। आपको वहां अपडेट रहना है, वहां नोटिफिकेशन आता है जो कि नेक्स्ट मंथ लास्ट वीक से आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा ऑल इंडिया कोटा से। ऑल इंडिया कोटा के साथ ही साथ आपका स्टेट कोटा का भी काउंसलिंग चलता है। स्टेट कोटा में क्या होता है कि सभी स्टेट का जो काउंसलिंग है वो एक साथ खुलता है, तो उसमें कंफ्यूजन होता है। तो सभी स्टेट की, जैसे कोई भी स्टेट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस स्टेट की पर्टिकुलर आयुष काउंसलिंग में आपको अपडेट रहना है। वैसे हमारे चैनल के माध्यम से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाएगा, लेकिन कभी कभी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको जो भी स्टेट में एडमिशन लेना है तो वहाँ की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, आयुष वेबसाइट है, उसमें अपडेट रहना है। वहाँ की नोटिफिकेशन को देखते रहना है, क्या एडमिशन प्रोसेस है, कैसे एडमिशन लेना है, सारा कुछ तो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाएगा। दूसरा, अगर आपका मार्क्स क्वालिफाइड है, 137 अगर आपका मार्क्स है तो आप दूसरे स्टेट के किसी प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रिजर्व कोटा लग जाता है। अगर आपका SC ST OBC कैटेगरी है, 109 मार्क्स है तो आप अपने स्टेट के प्राइवेट कॉलेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जो मार्क्स है वो बहुत कम है, लेकिन अप्लाई तो किया ही जा सकता है। अगर उससे कम मार्क्स है तो आप अनक्वालिफाइड है, तो ये सब चीजों को ध्यान रखना है। अगर आपका 137 मार्क्स ही है तब आप दूसरे स्टेट की जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप कोई अच्छे से अच्छे कॉलेज की तलाश में है, किसी प्राइवेट कॉलेज की तलाश में है या फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज की तलाश में, अपने बजट में, ऑल ओवर इंडिया में हमारा एडमिशन का काम चलता है, ऑल ओवर इंडिया में हम लोग काउंसलिंग करते हैं, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हमारे यहाँ पेड काउंसलिंग का सर्विसिंग है। आपके मार्क्स, आपके बजट के हिसाब से हम लोग कॉलेज का ऑप्शन देंगे, आप वहाँ जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे टीम के द्वारा एक्सपर्ट एडवाइस दिया जाता है। और आने वाले टाइम में आयुष से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो चैनल में अगर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।